इधर मोदी सरकार ने यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है और इसे 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। इस पेंशन स्कीम में 25 साल तक काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इसमें 1 अप्रैल 2004 के बाद रिटायर्ड हुए सभी सरकारी कर्मचारी शामिल हो सकते हैं जो एनपीएस का लाभ ले रहे थे। आपको दिखाते हैं इस पर एक रिपोर्ट। शनिवार को मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में 3 बड़े फैसलों पर मुहर लगाई, जिसमें यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को भी मंजूरी दे दी गई। इससे पहले एनपीएस में बदलाव की मांग पर डॉक्टर सोमनाथ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी और सरकार ने कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए एनपीएस में बदलाव का फैसला किया। देश भर में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा मांग आती रही कि जो एनपीएस स्कीम है उसमें सुधार किए जाए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 5 बड़े पॉइंट हैं, जिनमें पहला निश्चित पेंशन, दूसरी निश्चित पारिवारिक पेंशन, तीसरा न्यूनतम पेंशन का प्रावधान, चौथा महंगाई का समायोजन और पांचवा ग्रेजुएटी शामिल है। 25 साल की नौकरी करने वालों को इस स्कीम का पूरा लाभ मिलेगा और ऐसे कर्मचारियों की नौकरी के अंतिम 12 महीनों में मिलने वाली बेसिक सैलरी का 50% पेंशन दी जाएगी, जबकि 10 साल की नौकरी करने वालों को 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। इसके अलावा किसी भी कर्मचारी का निधन होने पर पेंशन के कुल रकम का 60% हिस्सा परिवार को मिलेगा। इस पेंशन पर सरकारी कर्मचारियों को महंगाई राहत यानी DR के आधार पर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन भी मिलेगा। इसके अलावा कर्मचारी के रिटायरमेंट के वक्त उसे एक मुश्त राशि भी मिलेगी। सरकार की तरफ से बताया गया कि केंद्र सरकार के कर्मचारी यह खुद तय कर सकेंगे कि वो एनपीएस में बने रहें या यूपीएस में शामिल हों। ये योजना उन सभी पर भी लागू होगी जो 2004 के बाद एनपीएस के तहत रिटायर हो चुके हैं। हालांकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, लेकिन 2004 से लेकर 31 मार्च 2025 तक एनपीएस के तहत रिटायर हो चुके सभी कर्मचारी भी इस योजना का फायदा ले सकेंगे। उन्हें पिछले पेंशन भुगतानों के समायोजन के बाद इस योजना का लाभ मिलेगा।